लेकिन उसके बाद से नहीं नहीं किया। यार उनसे किसी ने पूछा कि पाकिस्तान के चार टुकड़े कब होंगे उन्होंने बजाय उसको डिबंक करते जैसे हम लोग करते हैं चाहे वो इंडिया के खिलाफ कोई बात करे। उन्होंने बोला पाकिस्तान के चार टुकड़े दो से पहले होने के चांस हैं अच्छा। और हो जाएंगे यानी उन्होंने बड़ी हिम्मत जुताई अच्छा। और मैं बड़ा यानी उन्होंने अग्री किया कि उन्होंने क्या कहा दोबारा मैं रिपीट रिकैप करता हूं उन्होंने कहा पाकिस्तान के हम मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात पाकिस्तान के चार टुकड़े अंटक भारत क्या बोलते हैं उसको अंटक भारत अखंड, क्या अखंड, बोलते हैं अखंड अखंड, आ, अखंड अखंड भारत के लिए चार टुकड़े होंगे 2025 से पहले जिस तरह हालात जा रहे हैं इतना पढ़ा लिखा आदमी जो पीस की बात करता हो मुझे ऐसा लगा ये सनातनी ऊपर से पीसफुल बनते हैं लेकिन दिल में इनके वो है हेट्रिट जो मैं आपको वो जुमला मेरे पास है पड़ा हुआ रिकॉर्डिंग पर

Uh, पाकिस्तान में बहुत मेजोरिटी 99 परसेंट जो लोग होंगे पाकिस्तान के वो ये ख्वाब देखते होंगे कि इंडिया का इंडिया टूट जाए कश्मीर के टुकड़े हो जाए कश्मीर आजाद हो जाए अब इसमें कोई शक इवन के पाकिस्तानी जो हिंदू जो हैं वो भी ट्वीट मारते रहते हैं शायद बेचारे इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखानी हो पाकिस्तान के साथ सो दीज आर दूस ऑफ पीपल इसको हमें इतना इमोशनली नहीं लेना चाहिए इसको प्रैग्मेटिक होकर देखना चाहिए कि क्या इज इट पॉसिबल इज इट नॉट पॉसिबल मुझे याद है कि मैं Uh, मुझे याद है जब से मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था मैं मैं कोई साल का था मुझे मैं तब से ये पढ़ा रहा हूं कि कि फलाने रिपोर्ट आ गई कि 97 तक पाकिस्तान तबाह हो जाएगा फिर मुशरफ के जमाने में आती थी खबरें कि दो अमेरिका ने पता नहीं एक सीक्रेट दबाचा उन्होंने रिलीज कर दिया पब्लिश कर दिया जिसमें उन्होंने नया दुनिया का नया नक्शा डाल दिया है जिसके अंदर पाकिस्तान है ही नहीं सही <laughs> सो पीपल और वो उनकी अपने-अपने ख्वाहिशात हैं मैं वैसे नेचुरली ये समझता हूँ खैर ये तो एक, एक, एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है मुझे नहीं लगता दो हजार पच्चीस तक पाकिस्तान को कुछ होने वाला है लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि जो जो नक्शे हैं वो बदलते रहते हैं अपने भारत को ये देख लें इनके भारत के कितने नक्शे बदले हैं पिछले दो सालों में साउथ इंडिया तो मोस्टली तकरीबन इंडिपेंडेंट ही रहा है नॉर्थ uh, इंडिया से या जितने भी मुगल एम्पायर या मोरिया इवन मोरिया डायनेस्टी वगैरह भी जो रही हैं सो so, नक्शे बदलते रहते हैं इसलिए इन इन चीजों के साथ हमें इतना इमोशनली अटैच ही नहीं होना चाहिए इसलिए इसलिए आई एम अ ग्लोबलिस्ट मुझे कोई परवाह नहीं होती uh, मैं तो बल्कि ये समझता तो हूँ ये अच्छा होगा अगर सारा पाकिस्तान इंडिया और ये बांग्लादेश वगैरह अगर कोई एक सेकुलर कंट्री बन जाए मैं ये सोच रहा था इस वक्त अगर जिन लोगों का अखंड भारत का भी शौक है कितनी मजे की बात है जितने अखंड भारतीय हैं वो सारे भागता हार्ड कोर किस्म के भागता और मजे की बात ये अगर अखंड भारत के रस्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होगी वो रिलीजन होगी अखंड भारत टूटा किस लिए रिलीजन की वजह से इस्लाम की वजह से राइट क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमें तो भाई हम तो गाय को खाते हैं ये तो गाय को पूजते हैं वो गाय के उस वक्त भी काउ लिंचिंग है होती थी उन्होंने उसको यूज किया और पाकिस्तान का कॉज बनाया और पाकिस्तान बन गया और अब भी फर्ज करें इस्लाम वीक होता पाकिस्तान में विद इन वन और टू जनरेशन मोस्टली लोग अगर एथिस्ट हो जाते हैं तो उनको पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना उससे तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उन्हें पाकिस्तान से इंटरेस्ट होगा कि यू नो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ सेकुलर पाकिस्तान लेकिन वो सेकुलर सबकॉन्टिनेंट भी मान सकता है अगर दूसरी तरफ भी सेकुलर हो अगर उधर भक्त छलांगे मार रहे होंगे इमेजिन इमेजिन उधर भक्त छलांगे मार रहे होंगे तो आपको लगता है कि लेट्स से पाकिस्तान की 60 परसेंट लीड पॉपुलेशन हो जो एथियस्ट हो चुकी है जिनको इस्लाम से कोई कोई खास इंटरेस्ट ना हो आपको लगता है वो फिर अखंड भा, भारत की जाएंगे वो नहीं जाएंगे वो कहे उधर हमने अभी बड़ी मुश्किल से हमने इस्लाम को इधर शिकस्त दी है उधर भक्ति बैठे हुए हैं जय हरे कृष्ण हरे राम करने लगे सो so, इन इन ये बड़े मजे का मैं सोच रहा था कि ये खंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके सबसे बड़े चाहने वाले भक्ति हैं और भक्त ही जिस तरह मौलवी मोमिन अखंड भारत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है उसी तरह उधर से भक्त इसकी सबसे बड़ी रुकावट होगी कोई मुसलमान अगर एथियस भी हो जाते ना एक्स मुस्लिम भी सारे पाकिस्तानी वो तब भी नहीं जाएंगे हाँ अगर इस पूरे खत्ते को एक ही लोग जोड़ सकते हैं जिसको कम से कम सो साल लगेंगे वो ये के सारे के सारे लोग नॉन ईस्ट सेक्युलर लोग हो जिनको रिलीजन से कोई इंटरेस्ट ना हो जहां पर रेसिज्म और एथनिक जो डाइवर्सिटी हो लेकिन एथनिक डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी को ये ना कोई लगे हो को, ये तो काले हैं ये हमसे नीचे हैं किसी को ये ना लगे हो ये तो काफर है इसकी नोनो नहीं कटी हुई सो ये चीजें जब खत्म नहीं ना जब तक होंगी तो अब तक भारत अखंड भारत नहीं हो सकता और उसका नाम भी भारत नहीं रखा जाएगा मजे की बात है उसका नाम अगर आपने पाकिस्तान को शामिल करना होगा तो उस उस वक्त के लोग मैं अभी में बात कर रहा हूं देख रहा था ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में हमें तो लगता है ना हमने देखा कि बर्लिन वॉल गिर गई लेकिन उसके पीछे एक पूरा जो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर जो चला जो तीन महीनों में जो उन्होंने बैकडोर चैनलिंग की बैकडोर निगोशिएशन की मार्केट थे छुपा के रखा सिर्फ उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश एच डब्ल्यू बुश जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर उसको पता लगा उसको भी उन्होंने जो वेस्ट जर्मनी तो यू इतनी चीजें लोग नहीं करते होते बट उसकी वजह ये थी कि और कितनी उन्होंने पैसे दिए आपको पता है उन्होंने एक तरीके की सोवियत गोबा को रिश्वत दी क्योंकि उस वक्त बड़ा सीरियस किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस सोवियत यूनियन में चल रहा था उन्होंने सोवियत यूनियन गोबर चौफ ने कैसे दे दिया जर्मनी जो उसकी कॉलोनी थी ईस्ट जर्मनी उसको कहा कि हाँ भी चलो तुम री यूनिफाई हो जाओ सो ये सारी चीजें पॉलिटिकली उसमें बड़ी चीजें होंगी जो लेना देना होगा और अगर ये होगा तो ये ऐसे नहीं होगा ये अगर नीरज यात्री जी ने मुझे नहीं इसका पता कॉन्टेक्ट किया है अगर वो ये समझते हैं फर्ज करें दो में पाकिस्तान खत्म हो जाता तो ये क्या समझते हैं वो अखंड भारत बन जाएगा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब है पाकिस्तान के अगर ये हुकूमत जैसी भी है अगर ये चली गई तो यहां पर कौन आएंगे अगर आर्मी हट जाती है पाकिस्तान की आर्मी तो यहां पर मोल भी आएंगे आपसे पाकिस्तान इमरान खान जैसा बंदा क्लीन शेवन आदमी संभाला नहीं जाता या आदमी या जो काम होता है पाकिस्तान की को अगर आप जिस तरह का भी आपको लगता है कोई खादम रिजवी टाइप बंदा या खात खमीनी टाइप बंदा बैठ गया पाकिस्तान की सुप्रीम पावर में आ गया आपको लगता है वो कहेगा हाँ भाई चलो अखंड भारत बन जाते हैं <laughs> बाईस करोड़ पाकिस्तान की आबादी है जिनमें से पता नहीं इन्होंने एक करोड़ जहादिया तैयार किया मैं कुछ कर दूं। uh, I, I देखें, अगर जैसे लोग या जो भी होते हैं वो अगर अपोलोजिस्ट ना बनते और प्योर एथियस होते जो ह्यूमन ग्राउंड पे बात करते ना तो वो कभी भी टुकड़े की बात नहीं करेंगे बल्कि यूनिटी की बात करेंगे हेट्रोजिनियस सोसाइटी की बात करेंगे जो अंदर आपके रिलीजन होता है ना ये डिवाइड करता है अनकॉन्शियसली कह सकते हैं लेकिन वो यूनिटी ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू सुप्राइमसी है सो दैट कोई नहीं करेगा जब हम ये बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भाई हैं ये नारा ही गलत है क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो इंसानों को रिलीजन में ऑलरेडी आप ये क्यों नहीं, नहीं कहते सारे इंसान भाई हैं अच्छा आपसे अच्छा छोटा सा सवाल है ये जो रिलीजियस साइंस होते हैं इनको क्या पब्लिक में अलाउ होना चाहिए शॉपिंग मॉल वगैरह में या नहीं नहीं जो लो, लोग अपने तो और भी पहने इसमें प्रॉब्लम है ना एक दो जैसे कि अजान जैसे अलाव नहीं होती स्पीकर पे जो कंट्रीज़ हैं क्योंकि मेरा एक्स मेरा मैं हर्ट होता हूं। इस तरह मैं में जा रहा हूं। मुझे भी राइट नहीं होना चाहिए कि मैं आ, का साइन लगाऊं क्योंकि वो किसी मुसलमान या हिंदू को हट कर सकता है, है? हर, तो है? देखिये मेरा मेरा कुछ और है ये जो साइंस हैं ये इंसानों को डिवाइड करते हैं तो क्या गवर्नमेंट को पब्लिक प्लेसेस में अलाउ नहीं आप यही कर सकते हैं लोगों के पास हक है जो मर्जी करेंगे लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम्स है उसको कोई नहीं छेड़ सकता इंडिविजुअल है आपने क्रॉस लटकाना आपने है आपने पगड़ी पहननी है आपने इसी वजह मैं कहता हूँ हिजाब पहनना आपका हक है आपको स्टेट नहीं कह सकती कि आप हिजाब नहीं पहन सकते या आपने वो, वो, वो और बात है कि बेवकूफी है ये खुद बुद्ध लेट इट बाय बाईस वो कहते हैं अगर हजरत ईसा तो किसी ने जुगत मारी थी क्रिश्चियनों का कितना अजीब सा कॉन्सेप्ट स्लीप जिसके ऊपर उसको टांगा गया हजरत ईसा को वो उन्होंने उसको क्रॉस को अपने गले में लटका लिया रोज़री तो कितनी अगर अगर वो अमेरिका में हजरत ईसा मारे जाते इलेक्ट्रिक चेयर के जमाने में तो इलेक्ट्रिक um, तो right आपका जो डिस्कशन हुआ है ना मुसलमानों की वहां पे स्कूल का मसला जो चला है उसमें मिल्टन फ्रीडमैन को मैं बहुत सुनता इकोनॉमिस्ट awesome, uh, है अमेरिका के और अमेरिकन इकोनॉमिक्स को उन्होंने बहुत 90 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई मिल्टन फ्रीडमैन मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा मुझे भी कुछ इकोनोनिस के नाम याद हैं उन्होंने यही बात की जो आप कर रहे थे कि जो ब्लैक इलाकों में ना अमेरिकन गवर्नमेंट ने माजी में पैसे कम लगाए हैं तो वहां अच्छे स्कूल की जो जी डी पी कम है तो जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी ना चाहे मुसलमानों के इलाके हो चाहे हिंदुओं गरीब के इलाके वहां को डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ता है तब आपके फायदे उसके पचास साल बाद देखते हैं तो मुसलमानों पर इल्जाम लगाना ना मैं कमेंट्स नीचे पढ़ रहा था कि मुसलमान मदरसे में भेजते हैं इसलिए भेजते हैं कि वो खुद मदरसे में गए थे जब आपके एक जनरेशन पे पैसा लगेगा गवर्नमेंट की तरफ से आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो ये बात थी थैंक यू सर फॉर द टाइम यू मी मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ